जानते हैं कि 2021-22 में 67,530 लोगों को नियुक्त किया गया था बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। ये डेटा दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिक रिसर्च में, जो बिजनेस टुडे में भी पब्लिश हुआ था कि आईटी सेक्टर के बाद बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट करने वाले सेक्टर्स रहे हैं। और ये डेटा जो है, जो ये रिसर्च है, ये बेस्ड है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के बेसिस पे। तो अगर हम जो हज़ारों अनलिस्टेड कंपनीज हैं बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस में, उनको भी अगर इंक्लूड करते हैं तो लाखों में ये नंबर रिक्रूटमेंट का गया है। तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो आपका आता है, BFSI भी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, BFSI जो स्टैंड करता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में, तो इसमें आफ्टर आईटी बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है। एंड अगर हम एक लेटेस्ट डेटा देखना चाहें, ये जैसे 22 फाइनेंशियल ईयर 2022 का है, अगर हम एक लेटेस्ट डेटा देखें जो दिसंबर 2022 में पब्लिश हुआ था एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, अफसर नाम की, जो हायरिंग और टैलेंट मैनेजमेंट में कार्य करती है। सो इस कंपनी ने एक सर्वे रन किया था जिसके बेसिस पे भी उन्होंने ये देखा है कि बैंकिंग सेक्टर एक टॉप हायरिंग सेक्टर रहने वाला है 2023 में, जहाँ पे 15% की बढ़ोतरी के साथ हायरिंग कंटिन्यू रहेगी 2023 में भी। और वो इतना डेटा उनको मतलब विश्वास क्यों है, मतलब अगर हम इंडिपेंडेंटली भी अगर देखना चाहें कि क्या ये पॉसिबल है, तो यस काफ़ी पॉसिबल है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर जैसे मैंने बताया काफ़ी ग्रोइंग रहता है आईटी की तरह। क्यों, लेट्स देखते हैं कुछ डेटा की तरफ। ये डेटा RBI ने भी पब्लिश किया था, जो टोटल बैंकिंग सेक्टर के एसेट्स हैं, अगर हम एसेट्स ब्रॉडली देखना चाहेंगे, बिजनेस कहिए, अगर बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो एस्पेक्ट्स का, डिपॉजिट्स का, जो डिफरेंट डिपॉजिट्स बेस रहते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, और दूसरा होता है लोन रिलेटेड बिजनेस, जो बैंक डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स देती है। तो वो जब कॉम्बिनेशन होता है तो टोटल बिजनेस बनता है एक बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनी का, तो वो मोटा मोटा आपका रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल कितना आपका बिजनेस हुआ है। सो उसमें अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, लास्ट 3 ईयर्स का डेटा है, तो सब में ही ग्रो हुई है, किसी भी टाइप के बैंक की कि अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन कंपनीज में। लेकिन जो ये ग्रोथ का जो रेट है, कितनी फास्टर ग्रोथ जो आ रही है, वो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर, बेस की वजह से भी होता है, और प्लस कई अलग अलग तरीके के बैंक्स भी हमारे ऐड होते जा रहे हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक आए, पेमेंट बैंक्स आए, अलग अलग तरीके की NBFCs भी अब आ रही है, और NBFCs का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है, उनको शैडो बैंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि वो बैंकिंग की तरह काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं और काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी कंट्री में। सो ये सब जब ग्रोथ होती है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो उसको ऑफकोर्स रन करने के लिए मैन पावर भी चाहिए होती है, लोग भी चाहिए होते हैं, तो दैट्स वे जो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है, इनमें हायरिंग काफ़ी हाई रहती है और रहने की पूरी उम्मीद भी है, और दिख भी रहा है हमको हायरिंग के नए नए एवेन्यूज बैंकिंग सेक्टर में, नॉट जस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं प्रोफाइल्स की बात करूं कि किस तरीके के प्रोफाइल्स होते हैं, ब्रॉडली हम दो कैटेगरी के प्रोफाइल्स की बात कर सकते हैं। एक होते हैं आपके फील्ड रिलेटेड प्रोफाइल्स, जिसमें आप फील्ड में या लोगों से इंटरेक्ट ज़्यादा करते हैं ब्रांच के बाहर भी मूव करके, इसमें आप किस तरीके के प्रोफाइल्स देख सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव टाइप के प्रोफाइल होते हैं, क्रेडिट एग्जीक्यूटिव टाइप के प्रोफाइल होते हैं, राइट, एंड बिजनेस डेवलपमेंट के भी होते हैं, जिसमें आप ग्रो करते हो बिजनेस को बैंक्स के लिए। तो दूसरी तरफ जो दूसरे ब्रॉड कैटेगरी के प्रोफाइल्स होते हैं, वो ऑपरेशंस रिलेटेड प्रोफाइल होते हैं, जो बैंक्स की ब्रांचेस में आप अलग अलग जो रोल्स देखते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, जैसे आपके टेलर से रिलेटेड होते हैं, बैंकिंग ऑपरेशंस जैसे डिफरेंट अकाउंट्स या लोन्स प्रोसेस से रिलेटेड, KYC से रिलेटेड प्रोफाइल्स होते हैं, देन आपके क्रेडिट एनालिसिस से रिलेटेड प्रोफाइल्स रहते हैं, राइट। सो बैंकिंग ऑपरेशंस में आपके काफ़ी सारे अलग अलग, मतलब ये मैंने सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स के लिए बताए हैं, बट इस बहुत ज़्यादा इस तरीके अलग अलग तरीके के प्रोफाइल्स ब्रांचेस में ऑपरेशंस रिलेटेड भी होते हैं। सो जब इन प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग बैंक्स हायर करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हर बैंक का हायरिंग प्रोसेस डिफरेंट भी हो सकता है, तो वो वेरी करता है बैंक टू बैंक, बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है, एंड कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे उनके प्रोसेस जो है वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर या फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अनदर। और ये किस तरीके की स्किल सेट्स को देख रहे हैं वो भी वेरी कर सकता है, प्लस वो आपका जो प्रोसेस है वो किस तरीके का होगा वो भी वेरी करता है।
लेकिन जितना भी आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन हो, मेजरली आपका इंटरव्यू के अराउंड रिवॉल्व करता है। कुछ बैंक्स इंटरव्यू से पहले सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं स्क्रीनिंग के लिए, या फिर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ले सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी को और अच्छे से समझने के लिए इंटरव्यू से पहले। लेकिन इंटरव्यू आपका एक मेजर पार्ट रहता है, और इस इंटरव्यू में भी वो कौन से स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या किस तरीके के स्किल सेट्स आप में देखना चाह रहे हैं, वो अगेन बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। बट कुछ जो आपके स्किल्स देखे जाते हैं, इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है अलग अलग बैंक में, लेकिन ज़्यादातर आपका टेक्निकल स्किल्स देखा जाएगा। जो जॉब प्रोफाइल रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक उनको स्किल सेट वो ढूंढ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ स्किल सेट्स देखे जा सकते हैं। आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को वो देख सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन एस्पेक्ट को भी देख रख सकते हैं। कुछ बैंक्स यू नो बेसिक स्किल्स, बेसिक टेक्निकल स्किल्स, जैसे कुछ कंप्यूटर या एमएस ऑफिस टाइप के बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर स्किल्स भी चेक करते हैं। सो ये काफ़ी अलग अलग वेरिएशंस में और कॉम्बिनेशंस में ये टेस्टिंग हो सकती है। सो आई एग्जाम भी इन एसोसिएशन विद अ पार्टनर, हम यहाँ पे आपको हेल्प करने वाले हैं, नॉट जस्ट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बट नाउ ऑल्सो फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन होती ही हैं, जो ना कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में बट क्लोजर टू यू टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस वेरियस प्रोफाइल्स, वो फील्ड रिलेटेड प्रोफाइल्स भी हैं, ऑपरेशंस रिलेटेड प्रोफाइल्स भी हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों के प्रोफाइल्स भी काफ़ी सारे अब आ रहे हैं। अब आई एग्जाम भी आपको हेल्प कर रहा है इन सब में भी आप जॉब पाने के लिए। सो हम किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं आपको, दो लेवल के लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं। कि हम पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इन सब इंटरव्यूज को, जो बैंक स्पेसिफिक बैंक्स ही, जिस भी बैंक्स में अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री है, ये ट्रेनिंग 3 वीक्स के अराउंड की ट्रेनिंग रहती है एट कन्वीनियंट टाइम, जो आप बहुत एज पर योर रिक्वायरमेंट आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में रजिस्टर करके ये 3 वीक्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इस ट्रेनिंग के बाद हम आपको बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ लिंकअप करके आपका इंटरव्यू के लिए आपको तैयार करके प्रेजेंट करके एक प्लेटफॉर्म देते हैं। सो दिस इज़ हेल्पिंग यू, आपको फिर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे और ट्रेनिंग के रिजल्ट के बेसिस पे आपको ये जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ अ प्रोग्राम वेयर हम आपको सिर्फ ना सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट आपको हम इंटरव्यूज़ के लिए बैंक से कनेक्ट भी करवा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, जो आपको आपको जॉब लेने में, एम्प्लॉयबल बनने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। सो इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं, या इसके बारे में आप इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, तो एक गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपनी डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू कनेक्ट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ऑन गोइंग है, एंड वी आर स्टार्टिंग न्यू batches also regularly. So please, अगर आप ये interested हैं इसके बारे में जानने में और इसका part बनने में, आप Google form please fill करिए। आपको और कोई जानकारी चाहिए आप हमें reach out कर सकते हैं helpme@iexambi.com पे या फिर हमारे given number पे। So all the best, thank you, subscribe करना और bell icon दबाना मत भूलिएगा।